गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हमारे लेक्चर्स में, और 8वां चैप्टर विटामिंस यानी विटामिन इन दिनों हम पढ़ रहे हैं। विटामिन में हम पहले वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए हमने कंप्लीट कर लिया, और विटामिन डी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी का आरडीए यानी दैनिक आवश्यकता, और विटामिन डी के फंक्शन यानी कार्य पढ़ाए थे। और आज मैं ले रही हूँ विटामिन डी की कमी के प्रभाव यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के प्रभाव, जब विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स, और बड़ों में जो बीमारी होती है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। छोटे बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी अस्थि मृदुता नामक बीमारी वयस्क लोगों में होती है। पहले हम लेंगे रिकेट्स, कि रिकेट्स जो है वो कैसे होता है और उसके लक्षण क्या हैं। रिकेट्स बीमारी होने के कुछ कारण हैं, जैसे वो बच्चे जिनके रिकेट्स होता है उनके भोजन में कैल्शियम के भोज्य पदार्थ नहीं होना, कैल्शियम का पूरा अवशोषण नहीं हो पाना, या फिर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी सभी के भोज्य पदार्थ पर्याप्त नहीं होना, और सूर्य के प्रकाश में भी वो पर्याप्त नहीं आ पाते हैं, इसलिए विटामिन डी की कमी बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। क्योंकि विटामिन डी या तो एनिमल सोर्सेज में होता है या फिर सन्स रेज में, तो अगर सूर्य के प्रकाश में भी नहीं आ पाते हैं तो भी विटामिन डी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी के दो रूप मैंने बताए थे, D2 और D3। D2 तो अर्गो कैल्सिफेरॉल और कॉलिकैल्सिफेरॉल, D3 तो D3 जो है वो मनुष्यों के लिए है कि हमारी त्वचा के नीचे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और वो सूर्य की किरणों से विटामिन D3 में कन्वर्ट यानी परिवर्तित हो जाता है। तो या तो सूर्य के प्रकाश में बैठे तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं उन बच्चों को मिल पाता है, और उनमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी सभी की कमी होती है, वो सभी भोज्य पदार्थ नहीं खा पा रहे हैं और कैल्शियम का भरपूर अवशोषण नहीं हो पा रहा है, तो कैल्शियम की बीमारी रिकेट्स हो जाती है। और कैल्शियम के अवशोषण में और भी कई कारण हैं। जब हमने कैल्शियम का चैप्टर पढ़ा था, आप जब उसमें देखेंगे कि फाइटिक एसिड ज़्यादा होता है या फिर ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा होता है या फिर उसके साथ फास्फोरस, विटामिन डी पूरा नहीं हो पाता, तो कैल्शियम के अवशोषण के कई सारे कारण हैं, हम वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर अवशोषण पूरा नहीं हो पाता है तो भी रिकेट्स होता है, या फिर विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस पूरा नहीं होता है तब भी रिकेट्स हो जाता है, और या फिर सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं मिल पाता। जब रिकेट्स बीमारी बच्चों में हो जाती है तो उसमें कुछ लक्षण यानी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अब है लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। जब रिकेट्स हो जाता है बच्चों में तो बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं उनके। पहला है, बच्चों की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। रिकेट्स से जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है, स्पेशली उनके पैरों की अस्थियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जो कि उसके खुद के शरीर का वजन भी सहन नहीं कर पाती है, और पैर की अस्थियाँ जो है, हड्डियाँ, वो लचक जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, झुक जाती हैं। दूसरा इसका कमी का लक्षण है, सिम्टम्स हैं कि जो खोपड़ी की हड्डी होती है वो थोड़ी बेडोल हो जाती है, आगे से भी आगे निकल जाती है, पीछे वाला पार्ट भी, ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, मतलब ललाटा अस्थि और पश्चकपाला अस्थि दोनों उभर उभर के, और जो खोपड़ी का आकार है वो बेडोल हो जाता है। इसी प्रकार जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियां हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुड़ जाती हैं और कबूतर के सीने की तरह दिखाई देती है,
ये कबूतरी सीना कहते हैं इसको, यानी पिजन्स चेस्ट कहते हैं। और यदि रिकेट्स में बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी, कैल्शियम, सबकी बीमार सबकी कमी होती जा रही है, बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रीढ़ की हड्डी बहुत अधिक मुड़ जाती है। और अगर रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है तो पीछे कुबड़ जैसा निकल आता है। उसके अलावा सिम्टम्स में जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स हैं सारे, तो वो जॉइंट्स में एडिमा यानी सूजन आ जाती है, और सूजन आने से दर्द भी रहता है। उसके अलावा जो जॉइंट्स हैं उनके आकार बढ़ जाते हैं, जो कलाई के, जो टखने के, कोहनी के, जितने भी जॉइंट्स हैं उनके आकार बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा दांतों का विकास रुक जाता है, मांसपेशियां मुलायम होकर खिंचने लगती है, और रिकेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, पाचन तंत्र बहुत ही वीक यानी कमज़ोर हो जाता है। और चूंकि पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो उनके कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है, और कॉन्स्टिपेशन रहने के कारण उन लोग का पेट बाहर की तरफ आ जाता है। रिकेट से पीड़ित बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको नींद पूरी तरह से नहीं आ पाती है, उनके शरीर में ऐंठन रहती है और उनकी शरीर की वृद्धि रुक जाती है। यदि रिकेट्स लड़कियों को होता है तो लड़कियों की जो पेल्विक बोन होती है, जो श्रोणि गुहा होती है, वो बेडौल हो जाती है, और उसके बेडौल होने से शिशु जन्म में परेशानी होती है, क्योंकि जो श्रोणि गुहा होती है, जो इस जगह है, श्रोणि गुहा बहुत सही शेप का होना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही शिशु जन्म होता है, यूट्रस उसके ऊपर ही होता है, मतलब श्रोणि गुहा पेल्विक बोन के अंदर ही सब चीज़ें विद्यमान रहती है, मलाशय, गर्भाशय और मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम और यूट्रस। तो अगर वो बेडोल हो जाती है तो बच्चे के जन्म में परेशानी आती है। और लास्ट है कि पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जो टांगे होती है, नीचे का भाग है रिकेट से पीड़ित बच्चे का, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो वजन सहन नहीं कर पाता, और उसके घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, और जब चलते हैं तो वो घुटने ऐसे ऐसे अड़ते हैं, और इसलिए उन्हें नॉक नीज कहते हैं, चलते समय जब वो टकराते हैं। ये सब बच्चों में जब बीमारी होती है रिकेट, उसके लक्षण हैं। सेकेंड अब है कि वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, ऑस्टियोमलेशिया यानी अस्थि मृदुता। तो अस्थि मृदुता के कारण जो है वो है कि वयस्कों में अस्थि मृदुता गर्भवती और धात्री महिलाओं को सबसे ज़्यादा होती है, बार बार में जो गर्भ धारण करती है, पूरा विटामिन डी उनको नहीं मिल पाता, पूरा कैल्शियम नहीं मिल पाता, तो वयस्क अवस्था में या और गर्भवती और धात्री महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्भवती और धात्री महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस नहीं मिल पाता, और ये लेडीज़ पर्दे में भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी धूप में भी नहीं निकलती, तो धूप से विटामिन डी भी नहीं मिलता, फिर वो वनस्पति आहार ज़्यादा खाती हैं तो भी विटामिन डी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने जब पिछली बार सोर्सेज बताए थे तो बताया था कि प्राणिज स्रोत ही सबसे ज़्यादा होते हैं विटामिन डी के, तो अगर वनस्पति आहार लेते हैं तब भी विटामिन डी नहीं होता, धूप में नहीं बैठते हैं, पर्दा लगाते हैं तब भी विटामिन डी नहीं आता है, और उसके अलावा अगर विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस कम खा रहे हैं तो भी वयस्क महिलाओं को, स्पेशली गर्भवती और धात्री महिलाओं को ऑस्टियोमलेशिया यानी अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। अस्थि मृदुता जब हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि नितंब यानी कूल्हे की जो हड्डियां होती हैं वो, और छाती की हड्डियां बहुत सिकुड़ जाती हैं या फिर बेडोल हो जाती हैं। और नितंब का जो बेडोल होना, मतलब कूल्हे की हड्डी जब बेडोल हो जाती है तो उसका घेरा सिकुड़ जाता है, और अगर घेरा सिकुड़ जाता है तो शिशु जन्म में परेशानी होती है, क्योंकि ये जो श्रोणि गुहा होती है जितनी बड़ी होती है तो इजीली बच्चे का जन्म हो जाता है, जितना छोटा होता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी उसमें नहीं हो पाती है, फिर ऑपरेशन से बच्चा का जन्म होता है। तो अगर नितंब का बेडोल होना या फिर नितंब का घेरा सिकुड़ जाता है तो शिशु जन्म में परेशानी आती है। और जो ऑस्टियोमलेशिया से पीड़ित वयस्क हैं उनकी थोड़ी सी चोट में ही बोन्स
टूट जाती हैं, चटक जाती हैं, उनके पैर की और कमर की हड्डियां बहुत, उनमें दर्द हमेशा ही बना रहता है और पैर की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। दर्द के कारण वो उठ बैठ, चलना फिरना, उसमें उनको बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह से आज हम विटामिन डी की कमी के प्रभाव पड़ रहे हैं और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाती है। बच्चों में जब रिकेट्स होती है उसके कुछ कारण हैं, या तो वो कैल्शियम विटामिन डी और फॉस्फोरस पूरा नहीं खा पा रहे हैं, या धूप में नहीं जा रहे हैं, या कैल्शियम का अवशोषण उनमें नहीं हो पा रहा है। और रिकेट्स से जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती हैं, पैरों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, लचक जाती हैं, झुक जाती हैं, रिब्स की हड्डियाँ जो है मुड़कर और कबूतरी ये सीना जैसा बना लेती है, इसलिए उसको पिजन्स चेस्ट कहते हैं। खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो बेडौल हो जाती हैं, ललाटास्थि भी आगे आ जाती है और पश्च कपालास्थि भी पीछे चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा खोपड़ी जो है बेडौल हो जाती है। बीमारी अधिक होती है तो रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है, कूबड़ निकल आता है, जोड़ों में सूजन होकर दर्द हो जाता है, या जोड़ों के जो आकार हैं कलाई और टखने ये भी बढ़ जाते हैं, दांतों का विकास रुक जाता है, मांसपेशियां मुलायम होकर खींचने लगती है और पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है तो कब्ज हो जाता है, कब्ज होने से पेट बाहर की तरफ निकल आता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनके शरीर में ऐठन रहती है और उनके शरीर की वृद्धि रुक जाती है। यदि रिकेट्स लड़कियों में होता है तो श्रोणि गुहा सिकुड़ जाती है, बेडौल हो जाती है और शिशु जन्म में परेशानी होती है। और जो रिकेट से पीड़ित बच्चे हैं उनके पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनका वजन सहन नहीं कर पाते, इसलिए घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और घुटने अंदर की तरफ मुड़ने के बाद चलते समय वो एक दूसरे से टकराते हैं, इसलिए उन्हें नॉक नीज कहते हैं। फिर जो वयस्कों में विटामिन डी की कमी होती है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, अस्थि मृदुता। और अस्थि मृदुता जो है वो अधिकतर गर्भवती और धात्री महिलाओं में होती है, क्योंकि गर्भवती और धात्री महिलाएं पर्याप्त विटामिन डी, पर्याप्त कैल्शियम, पर्याप्त फॉस्फोरस नहीं ले पाती हैं, पर्दे में रहती हैं, धूप में नहीं जा पाती हैं और वनस्पति आहार लेती हैं, तो वनस्पति आहार से विटामिन डी नहीं मिलता, क्योंकि विटामिन डी हमको प्राणिज आहार से ही मिलता है। जब ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुता हो जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उनके नितंब और छाती की हड्डियां बेडौल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, नितंब का घेरा सिकुड़ जाता है तो शिशु जन्म में परेशानी होती है, थोड़ी सी चोट लगने में ही उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं जो ऑस्टियोमलेशिया से पीड़ित हैं, और उनके पैर कमज़ोर होते हैं, उनमें दर्द बना रहता है, चूँकि पैर कमज़ोर हैं तो दर्द होने के कारण वो चल फिर नहीं सकते हैं और उनको बहुत दर्द बना रहता है। इस प्रकार विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है और ये इनके लक्षण हैं। तो अब इस तरह से विटामिन ए और विटामिन डी कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टर्न पे हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।